हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जौके कबूतर परवरी। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपसे वादा किया था, अच्छे शौक के साथ हाजिर होंगे। तो एक सेगमेंट पहले बनाया था, अब ये दूसरा सेगमेंट बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज आपको नयाब कबूतरों के शौक़ करवाना है, आम कबूतरों का शौक़ नहीं करवाना। रहमान भाई के पास आए हैं, नयाब से नयाब कबूतर दिखाई जा रहे हैं हमें, और हमारा शौक जो सा ना वो पूरा करी जा रहे हैं। ठरक होती है हमें बस अच्छे कबूतरों की, वो पूरी हो रही है माशाल्लाह से यहाँ पे आ। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं, कोई शौकीन बंदे होंगे अच्छे कबूतरों के शौकीन, तो वो भी इस्तेफादा हासिल कर लेंगे, वो भी अपना शौक कर लेंगे पूरा। क्योंकि जो कबूतर आपको दिखा रहे हैं ना, ये हर किसी के पास नहीं है ये कबूतर, ना वीडियोज़ में नज़र आते हैं कहीं पर, ना लोगों की छतों पर नज़र आते हैं। बाकी रहमान भाई इनके बारे में बताएँगे खुद। जी रहमान भाई, कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं और कब से हैं ये आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, इस वीडियो में जो है ना, ये एक नीले दो पेड़ हैं, तो उनका शो करवाएंगे। और सबसे पहले तो ये बड़े नीले मेल का शो करवाते हैं इस वीडियो में। ठीक हो गया, पहले ज़रा इसकी थोड़ा वैसे पकड़ के दिखाएं, लोगों को साइज़ पता चले, इसका बनावट पता चले इनकी। ये व्यूवर्स इनका साइज़ देखें, नीले होंगे लोगों के पास, देखे होंगे आपने, इस साइज़ के नहीं देखे होंगे, असल साइज़ नीलों का यही है। और आँख भी असल यही है, गहरी आँख, लाल आँख जो होती है ना, वो आँख मज़ेदार नहीं होती, पुख्ता नहीं होती, असल आँख कमगरों की यही है। ये नीले कमगर कबूतर हैं। जी रहमान भाई, करवाएँ ज़रा शौक इनका, और साथ साथ फिर हमें बताएँ ये कहाँ से आपके हाथ लगे हैं, कैसे बनाए हैं, क्या इसके पीछे हिस्ट्री है। जी अली भाई, ये बेसिकली ना कबूतर है, दोस्त ने दिया था अपना डेस्क के, उनकी छत है बिल्कुल, उनके पास एक नीला कबूतर था पुराना। सही। और वो कबूतर उनके पास बेशुमार बाजियों में उड़ा हुआ था। सही। तो वो मेरे पास आया, तो मैंने भी उसकी अपग्रेड करवाया, कुछ बच्चे उसके सेल भी किए, तो उन बच्चों में से ना कुछ बच्चे मैंने रोक लिए। सही। तो जो बच्चे जहाँ जहाँ गए उनके पास, उन्होंने रिजल्ट लेके उन्होंने आगे ब्रीड में यूज़ कर लिया। लिहाजा फिर तीन एक पीस मेरे पास भी हैं, जिनमें से एक मेल ये है। व्यूअर्स, आज आपका शौक पूरा हो जाएगा ये वीडियो देख के इंशाल्लाह। दिखाएं जी दूसरा पर, दिखाएं क्या बात है भाई। ये ज्यादा एज नहीं है कबूतर की, अच्छा तकरीबन 3 साल। सही। और ब्रीडिंग में से तकरीबन कोई 7 से 8 माह हुए बस। बहुत ज़्यादा रहमान भाई, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़रे पट से बचाए और इसको बनाएं जी ब्रीड को, मैं तो यही कहूँगा क्वांटिटी ज़रा बढ़ाएं इसकी, माशाल्लाह नज़रे पट से बचाए। आमीन। जो दोस्त देखें माशाल्लाह लाजमी के ज़रूर। ठीक हो गए रहमान भाई, इसकी फ़ीमेल भी दिखाएं। जी रहमान भाई, ये फ़ीमेल है उसके साथ। जी भाई, ये फ़ीमेल इसके साथ लगाई है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी आँखा चौक करवाएँ। इस वीडियो में ना एक लास्ट पे एक दोस्तों को पैगाम देंगे, एक इंफॉर्मेशन वीडियो होगी वो। ठीक हो गया, ठीक है, एक समझ वाली ना एक उन्हें बात बताएंगे। क्या हुआ? ठीक हो गया रहमान भाई, ठीक है छोड़ दे। जी रहमान भाई, जी भाई, ये जो ना अभी एक मेल का शो करवाया है, बिल्कुल उसके पाँव में ना 32 नंबर रिंग है, बिल्कुल ठीक है। और ये उस मेल की जो ना सखी बहन है, बिल्कुल वो जो बड़ा कबूतर है नीला भी दिखाया है। हाँ। जी उसकी सखी बहन है ना। ठीक, ये तकरीबन कोई 2 माह हो गया खाने में बंद है। अच्छा, बच्चे सेपरेट लगाया हुआ, सेपरेट लगाया भाई ये। सही। और इसके हेड का भी आप देखें, आम कबूतरों से मुख्तलिफ है हेड इसका। ठीक हो गया,
ठीक हो गया मॉल में, वो छोटे केज में होने की जैसे पर थोड़ा से केज होने में ना वो पर जो ना वो भी मैं लाइयां तो लाइयां से तंग है ये माती ना मैं लाइयां नहीं दी ने तो मैं हर सैटरडे संडे जो ना दो दिन जो ना पानी रख देता हूं। ठीक है तुम दिखाए बॉल पंजे दिखाए का मेल भी दिखाया मेरे मान में मैं दिखाता हूं जी रवान भाई ये नर है उस मादी के साथ जी अली भाई ये नर लगाया इस फीमेल के साथ है। ठीक है जी व्यूवर्स आपको शौक कैसा लगा है ये कमेंट में लाजमी बताइएगा और रहमान भाई आपने कोई बात बतानी थी वो भी बताएं जरा हमारे दोस्तों को। ये भी बात ये है आप सोचते ना कुछ ही पहले आ गए हाँ जी कोई बात नहीं खैर हम अली भी बात ये है कि अक्सर शौक करने जाते हैं दोस्तों के पास बताते खुद मैं भी एक टाइम पे ये ना एक गलती का शिकार था कि दोस्त क्या करते हैं कि अगर मेल एक आया ना उनके पास अच्छा तो उनकी सबसे पहले कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से ना जोड़े लगा लूँ वो नहीं ये देखते कि मादी मेल के साथ क्या बैलेंस रखती है क्या काम करेगी क्या काम नहीं करेगी। अक्सर दोस्त जो समझने के भी शौक में आ रहे हैं जहाँ पुराने हैं तो उन्हें ये अवेयरनेस नहीं है कहते ना इलम किसी की डर खड़ी नहीं है बिल्कुल तो वो क्या करते हैं जी कि अगर मेल बड़े साइज का ना तो उसका उतनी बड़ी ही फीमेल लगा देते हैं उससे जो बच्चे आगे आते हैं ना वो बड़े बदंगे से बड़े बड़े वजूदों के आते हैं जो आजकल की कबूतरबाजी में बिल्कुल ही फेल है बिल्कुल। ठीक है तो ये दोस्तों के लिए पैगाम है कि जब जोड़ा लगाएं ना तो कोशिश करें कि अगर आपके पास एक नर अच्छे बैलेंस में बड़े वजूद में आ गया ना तो उसके साथ जो मादी लगे ना वो एक छोटे से वजूद की हो जिसे मैं तितलियाँ कहता हूँ तितली से वजूद की मादी हो छोटे से वजूद की तो ये चीज़ जो है ना ये बैलेंस मेंटेन रहे दूसरी चीज़ ये है कोशिश करें दोस्तों को ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये उठते हैं या करते हैं अक्सर मैं मेरे चैनल पे इंटरव्यू आते रहते हैं तो उस पर दोस्त वगैरह फ़ोन में कहते हैं ये कितने उठते हैं तो मैं उन दोस्तों को एक ये पैगाम है उनके लिए कि सबसे पहले जब तक एक आपके पास एक अच्छी ब्रीड नहीं ना बनेगी तब तक आप अच्छे कबूतर उड़ा भी नहीं सकेंगे बिल्कुल। ठीक है अब ये बेशक नीले हैं ठीक है अब वो लोग कहेंगे ये नीले कहाँ उठते हैं ठीक है तो जब तक ये अपनी हालत में असल नहीं होंगे आप इनको क्रॉस भी नहीं दे सकते बिल्कुल आप इनको आगे क्रॉस यूज भी नहीं इनका कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल बिल्कुल अच्छी हालत में होंगे अच्छी तादाद में होंगे फिर ही आप वर्किंग करके उसे आगे इन्हें टैडियों में डालें गोल्डनों में डालें सियालकोटियों में डालें जहाँ मर्जी डाल दें रिजल्ट ले लें मैंने बताते खुद इन नीलों का जो है ना प्योरिटी में भी रिजल्ट लिया और क्रॉस में भी रिजल्ट लिया टैडियों में। ठीक हो गया रहमान भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का आपके इतने अच्छे कबूतर दिखाने का और अच्छी अच्छी बातें बताने का और व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शौक आपको पसंद आया होगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नए शौक़ के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ ओके रहमान भाई अल्लाह हाफिज़।